क्या हाल है मेरे दोस्तों? ठीक ही होंगे, मुझे पता है आप ठीक ही रहना। और माहौल बहुत ख़राब है, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको रखनी है, उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। और वो आपको पता है, मुझे बार बार बताने की ऐसे पूरी दुनिया में ये सब चल ही रहा है, तो वो चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं आपको। तो वो चीज़ आप उस चीज़ का ध्यान रखना। और दूसरी बात, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि मुझे कपड़ों का भी बहुत शौक़ है, तो कपड़ों का मुझे बहुत शौक़ है, तो कपड़ों का मुझे पता है कि क्या क्या कंपनीज है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या लोकल्स में भी बहुत कुछ अच्छा आता है, लोकल ब्रांड या कॉपीज़ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, जो अपना जीन्स टी शर्ट्स बहुत सी वैरायटी बहुत कुछ आता है। तो मैं चाहता हूँ आज आपके लिए समर समर वेकेशन हाफ शर्ट, जो समर में बहुत पहनी जाती है, जैसे प्रिंटेड अपना, जैसे थोड़ा बहुत फ्लावर प्रिंट वगैरह, अपना कैजुअल जो अपना कॉलेज बॉय वगैरह या अपना नॉर्मल भी आप पहन सकते हैं, तो वो चीज़ मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो मेरे पास आज पांच आर्टिकल है, पांच पांच नहीं, सॉरी सॉरी, चार। तो चार आर्टिकल है तुम्हारे भाई के पास, तो आज भाई तुम्हें बताएगा कि वो चार आर्टिकल। तो मेरा बहुत अच्छे पहला हैं। शर्ट है ये, इस शर्ट में क्या खास बात है, एक तो ये प्रिंटेड है, एक ये डार्क कलर है, और ऊपर से आपकी लाइट ट्राउजर्स जितनी भी होगी या लाइट ब्लू जीन्स वगैरह जो भी होगी उनके साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। और बहुत अच्छा आप नीचे कैनवास शूज़ डाल के एंड के बहुत कूल लगेगा। और जिसको थोड़ा हाफ, जिसको अंदर आजकल लोग इन शर्टों को आजकल अंदर प्लेन टी शर्ट्स पहन के, जैसे प्लेन टी शर्ट पहन के उस पर ऊपर हाफ शर्ट कैरी कर सकते हो इस टाइप की, तो बहुत कूल लगता है। तो इस कूल को बरकरार रखते हुए तो मेरे पास एक और आर्टिकल है, एक ये वाला आर्टिकल, जो ये भी बहुत मस्त है। ये इसमें बहुत ही प्यारे प्रिंट हैं, बहुत प्यारे कलर हैं, और सबसे बड़ी बात ये इसमें सारे शेड डार्क आते हैं, आप इनके साथ भी लाइट कलर्स पहन सकते हैं, लाइट कलर के ट्राउज़र या ब्लू जीन्स। और ब्लैक जीन्स तो आपको पता ही है, आपको सब पे चल जाता है, तो ब्लैक जीन्स का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट फिर भी अगर आपको कुछ कॉम्बिनेशन पहनना है, कंट्रास्ट पहनना है, तो उस चीज़ के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है। और ये आप नॉर्मल कैजुअल फॉर्मल तो नहीं कह सकता, बट हाँ कि नॉर्मल कॉलेज वर्क के लड़के जो आजकल पहनते हैं, ये कैजुअल भी आप बहुत कैरी कर सकते हैं। और इसे ट्रैकिंग भी करना चाहें तो कर सकते हैं, पर ये ट्रैकिंग करने लायक अच्छा, ट्रैकिंग भी एक तरीके से होता है कि इंसान का डोला शोला हो, बाइसेप वगैरह, जो कि भाई हर किसी का नहीं होता, तो उनके साथ तो ट्रैकिंग करके फिर भी अच्छा लगता है, पर ये ज़्यादातर कूल लगता है बाहर रख के या अंदर टी शर्ट कैरी करके और शर्ट के बटन ओपन करके, तो अच्छा लगता है। चलो ये तो हो गया हमारे दूसरे आर्टिकल। अब तीसरा आर्टिकल है ये। तीसरे आर्टिकल में क्या है कि ये कलर और ये थोड़े ब्राइट कलर होते हैं, तो इसमें क्या होता है, डिसेंट, कम डिसेंट तो नहीं कह सकता, हाँ, बट ये कलर बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप इनके साथ डार्क कलर की कोई मैचिंग या कोई भी आप एक्स्ट्रा डार्क कलर पर आपके पास डार्क कलर की ब्लैक पैंट हो, जेट ब्लैक, और उस पर आपने पहने शूज़ जो आजकल कैनवास शूज़ चल रहे हैं, और सही बताऊँ तो इससे ज़्यादा कोई अच्छे लगते नहीं हैं, कैनवास या स्पोर्ट्स ही ज़्यादा चल रहे हैं, लॉन्ग शूज़ समर में कोई पहनता नहीं है, तो उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है। तो रियली बताऊँ तो उसके साथ ये आर्टिकल, इसके कलर भी लाइट कलर हैं, तो इसके साथ आपको डार्क पैंट्स, जैसे डार्क ब्लू जीन्स हो, डार्क ब्लैक पैंट हो, तो ये आर्टिकल आप पे, ये वाला आर्टिकल इन पैंटों के लिए है। तो ये इतना मस्त लगता है ना, सही बताऊँ, आप पूरा पेयर कभी कैरी करना तो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है। चलो इसके ये हो गया। अब आता है हमारा चौथा आर्टिकल। चौथा आर्टिकल क्या है? चौथा आर्टिकल हमारा डस्टी कलर कहते हैं, जैसे रस्टी या डस्टी जो मर्जी कह लो यार, बहुत से लोग हैं बहुत कुछ कहते हैं, कोई रस्टी कहता है, कोई डस्टी कहता है, तो इन कलरों में क्या होते हैं, थोड़े डार्क डार्क कलर्स होते हैं, बट ये होते हैं डस्टी कलर, मतलब ग्रीन है तो डार्क ग्रीन होगा, ऑरेंज है तो डार्क ऑरेंज होगा,
तो ऐसे येलो है तो उसको मस्टर्ड हो जाएगा, तो उसे डस्टी कलर कहते हैं। तो इन कलरों को बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन और बहुत ही यूनिक और थोड़े नए, जो कहते हैं कि यार कभी कहते हैं यार ये तो बहुत कॉमन हो गया, ये बहुत कॉमन हो गया ये कलर, तो ये कलर वो हैं जो कलर कॉमन नहीं है बट नए कलर हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो इन कलरों को बहुत ही मस्त लगता है, तो इसीलिए इस कलर, ये कलर आपकी चाहे लाइट पेंट हो चाहे डार्क पेंट हो, ये आपका सब पे चलता है। तो इसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं होता कि इसको कोई मैचिंग की ज़रूरत है। और इस पे आप सही में बताऊँ, तो वैसे तो मैं आपको बस शूज़ बता ही चुका हूँ, बट इसमें इन शर्टों के लिए ये जो प्रिंटेड शर्ट्स होते हैं इनके नीचे ज़्यादातर कैनवास शूज़ ही अच्छे लगते हैं, जो अपना हाफ स्नीकर्स होते हैं। तो वही आप कैरी करिए अपना बस, और सबसे ज़्यादा मस्त लगना है तो कहते हैं ना मस्त बंड, वो बहुत बढ़िया लगेगा। तो बस और कुछ नहीं, और तो ये चीज़ थी आपके लिए। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो और ऐसी लुक और ऐसे प्रिंटेड शर्ट्स जीन्स मतलब कुछ भी यूनिक वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो इन चीज़ को ध्यान में रखना, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक तो प्लीज़ कर देना यार, तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर रहा है, कुछ तो करो कुछ तो बढ़ाओ। और